एशिया कप फाइनल मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का तूफान, आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इसी वार्म अप मुकाबले की तरह ही फाइनल मुकाबले को भी अपने नाम करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया श्रीलंका की टीम को। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों टीमें अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी ताकि खिताबी जंग से पहले एक बेहतरीन अभ्यास मुकाबला हो। वहीं पर इस मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से दिमुत करुणारत्ने तो उनके साथ पुथम निसंका पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका की टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दिलाई और पहले ओवर से ही कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिली। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 10 ओवर में टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में ही 50 रनों की पार्टनरशिप करके टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दे दी। इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पुथम निसंका ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया तो उनके साथ साथ थिमुत करुणारत्ने ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर टीम को 20 ओवर में 100 रनों के पार पहुँचा दिया। स्कोर और शानदार शतकीय साझेदारी भी कर डाली। इसके बाद दोस्तों, थिमुत करुणारत्ने के रूप में विकेट गिरा तो कुशल मेंडिस क्रीज पर उतरे तो वहीं पर उनका भी अच्छा साथ दिया पुथम निसंका ने और दोनों बल्लेबाजों एक बार फिर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और श्रीलंका की टीम ने 30 ओवर तक टीम के स्कोर को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 180 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर दोस्तों, अब श्रीलंका की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी क्योंकि अब कुशल मेंडिस भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं पर शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे अब पुथम निसंका। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया कुशल मेंडिस ने तो वहीं पर टीम का स्कोर भी 35 ओवर के बाद 205 रन हो गया। तभी दोस्तों, टीम इंडिया को एक और सफलता कुशल मेंडिस के रूप में मिली। मेंडिस के आउट होने के बाद यहां पर क्रीज पर उतरे चरित्र असलंका। हालांकि इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे पुथम निसंका भी 93 रन बनाकर पेवलियन लौटे तो उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे समर विक्रमा। समर विक्रमा ने भी यहाँ पर शानदार पार्टनरशिप कर डाली चरित्र असलंका के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई कमाल की साझेदारी ने यहां पर टीम के स्कोर को विशाल स्कोर में तब्दील कर दिया। आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी की समर विक्रमा और उनके साथ चरित्र असलंका ने और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसके चलते यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के सामने 349 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका की टीम के सभी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा। जहां पर बात की जाए तो आज के इस मुकाबले में सभी 5 बल्लेबाज जो श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने आए उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाए, जिसके चलते टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित तो उनके साथ शुभमन गिल थे। पहले ओवर में एक बेहतरीन शॉट के साथ रोहित ने अपनी पारी का आगाज किया तो वहीं पर दोस्तों, दूसरे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने महेश दीक्षणा की गेंद पर एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की, लेकिन रोहित ने खासकर अच्छा खासा दम दिखाया जब उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए मिडविकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का उन्होंने महेश दीक्षणा की गेंद पर लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच 8वें ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, लेकिन इस 50 रनों की पार्टनरशिप में रोहित के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और 33 रन उन्होंने 50 में से जोड़ दिए। इसके बाद रोहित ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। हालांकि इसी बीच एक शानदार वाइड यॉर्कर गेंद पर बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल फाइनल की तरफ।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर में ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 39 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित की और टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत भी मिल गई रोहित के इस शानदार अर्धशतक के साथ ही। अर्धशतक के बाद रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखने में कामयाब हुए और उन्होंने एक और शानदार चौका इस बार पॉइंट के बीच में से लगाया। इसी बीच गिल ने भी उसी क्षेत्र में एक और शानदार चौका लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक भी पूरे कर चुके थे, क्योंकि गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के सामने अब गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे श्रीलंका के, तभी रोहित शर्मा गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और रोहित को यहाँ पर पेवलियन भेजा महेश दीक्षणा ने, जिनके पीछे पड़े हुए थे रोहित बड़े शॉट खेलने में, लेकिन इस बार कामयाबी महेश के हाथों में लगी। वहीं पर रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। विराट कोहली ने भी यहां पर अब शुभमन गिल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया तो दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और भारतीय टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से विराट ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान कई बेहतरीन शॉट खेले जिसमें से उनका फेवरेट शॉट भी शामिल था, जहाँ पर उन्होंने मतिसा पित्राना की गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप अब 50 रनों तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान विराट के बल्ले से 3 चौके देखने को मिले जबकि शुभमन गिल ने 2 चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों के इस शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप के बाद अब टीम इंडिया का स्कोर भी 170 रनों के पार पहुंच चुका था। तभी दोस्तों विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर मेंडिस के हाथ में गई और मतिसा पथिराना ने एक और सफलता दिला दी श्रीलंका की टीम को। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्रीज पर ईशान किशन उतरे तो उन्होंने आते ही एक शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन छक्के के साथ अपना खाता खोला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने छक्के के साथ अपना खाता तो खोला लेकिन इसके बाद एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन इसी दौरान दोस्तों भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छू लिया, लेकिन अब भारतीय टीम को बची हुई 15 ओवर में 150 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस दौरान ऐसा कारनामा कर सकते थे तो वो ईशान किशन थे। लेकिन ईशान किशन ने यहाँ पर 136वें ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्रीज पर और 37वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। लेकिन इनके आउट होने के बाद अब टीम इंडिया की सारी उम्मीदें आ चुकी थी शुभमन गिल के ऊपर, जो कि क्रीज पर सेट थे, लेकिन दूसरी तरफ अब टीम इंडिया के लिए क्रीज पर पहुँच चुके थे सूर्य कुमार यादव, जिनसे यहाँ पर बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। अब दोस्तों आखिरी बचे हुए 13 ओवर में टीम इंडिया को चाहिए थे 140 रन, यानी कि मुश्किल टास्क था। लेकिन यहां पर 38वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्के के साथ आगाज किया इस बार शुभमन गिल ने, तो वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका लगाया। इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की और उन्होंने टोटल 15 रन इस ओवर में से बटोर लिए और अब यहाँ पर भारतीय टीम को बचे हुए 12 ओवर में 125 रनों की जरूरत थी। तभी सूर्य कुमार यादव ने 39वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को स्कूप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए भेज दिया, या यूं कहें तो इनका फेवरेट सोफला शॉट देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार भी गेंद को ठीक उसी प्रकार से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 2 गेंदों पर 2 छक्के वो लगा चुके थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव पहले ही ओवर में शानदार रंग में दिख रहे थे और अब तक इस ओवर की 5 गेंदों पर वो 16 रन बना चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर पर भी एक और कमाल का चौका लगाते हुए रजिता के इस ओवर में 20 रन बटोरने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब भारतीय टीम को बचे हुए 11 ओवर में 105 रनों की जरूरत थी। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने इस 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए कमाल का छक्का जड़ा, लेकिन इस ओवर में टीम इंडिया के लिए सिर्फ 8 ही रन आए। अब भारतीय टीम को 95 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक शॉट मिड विकेट के ऊपर से लगाया तो वहीं पर एक शॉट विकेट स्क्वायर के ऊपर से लगाकर 2 चौके लगाकर इस ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए 12 रन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 42वें ओवर में भी एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन बटोर लिए।
अब भारतीय टीम को 8 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी। इसी बीच यहां पर एक अच्छी वापसी रही श्रीलंका की, जहां पर उन्होंने 44वें 45वें व 46वें 47वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए किसी भी ओवर में 10 से ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए भारतीय बल्लेबाजों को। और अब इसके चलते आखिरी 3 ओवर में एक बार फिर भारतीय टीम को 39 रनों की जरूरत थी, लेकिन क्रीज पर सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, जो कि अपना तूफानी अर्धशतक मात्र 21 गेंदों पर ही पूरा कर चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका लगाया 48वें ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय टीम के बल्लेबाज सिर्फ 9 ही रन बटोर पाए और अब आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा किया शुभमन गिल ने, लेकिन दोस्तों अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी, क्योंकि 11 रन ही 49वें ओवर में बने, लेकिन गेंद यहाँ पर थमाई महेश दीक्षणा को, जिनके सामने थे सूर्य कुमार यादव, और पहली ही गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब सूर्य कुमार यादव शतक से मात्र 12 रन दूर थे, जबकि टीम इंडिया जीत से 13 रन दूर थी। वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्या ने खड़े खड़े एक और शानदार गेंद को फ्लिक करके 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया। कमाल का शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर उन्होंने पीछे की गेंद पर शानदार शॉट खेला और इस बार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। अब आ चुके थे 3 गेंदों पर 16 रन और मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे अब सिर्फ 3 रन और सूर्या को शतक के लिए 2। तभी उन्होंने एक और शानदार गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 43 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत दिला दी इस मुकाबले में, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी पीछे है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को इस शानदार मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।